हाय दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड कराने वाला हूँ जो आपको जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं, ना ही यूट्यूब पर और ना ही अदर बुक में, जल्दी मिलती नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन रहता है, आपके क्वेश्चन गलत ही होते हैं, 99% गलत होते हैं। लेकिन आज से नहीं, आज से आप कहेंगे 99% करेक्ट होंगे आंसर। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या है, पाई कोचिंग को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल पाई कोचिंग। ओके, लेट्स डू स्टार्ट। देखो ये देखो, आपको मैं यहां फ्यू लिखता हूं एंड मैन लिखता हूं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है वो आपके काउंटेबल वर्ड है, ठीक है। और मैं यहां पे लिख देता हूं लिटिल एंड मच, ठीक है। ये वाले जो वर्ड है आपके अनकाउंटेबल में, ठीक है ना, ये जो वर्ड है अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर मैं इन दो की बात करूं तो ये इन दो का हिंदी मीनिंग होता है कम, इसके ऑपोजिट इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है ज्यादा या अधिक, ठीक है। और ये जो काउंटेबल वर्ड होते हैं इनका यूज हम वहां करते हैं जिनको गिन सकें, क्या करें, गिन सकें। और जो अनकाउंटेबल वर्ड है इनका यूज हम वहां करते हैं जिनको हम तोल सकें या नाप सकें। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है। और इसके मैं यूजेज बताता हूँ, पेपर टाइम में कैसे आते हैं, वहीं कन्फ्यूजन होता है, ये तो सबको पता है, ये ठीक है ना। पेपर टाइम में पूछा था आ फ्यू फ्यू एंड द फ्यू। आ फ्यू का एक पॉजिटिव सेंस होता है, इसका नेगेटिव सेंस होता है, और इसका फिक्स्ड नंबर के लिए शो करते हैं, ठीक है ना। इसका यूज फिक्स्ड नंबर कर लेते हैं, जैसे कि मैं बात करूं ऑफ यू, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि ऑफ यू कहां यूज करते हैं। ऑफ यू का यूज हम वहां करते हैं जहां पर कोई भी वैल्यू कम होती है लेकिन पॉजिटिव सेंस में हो, यहां पर सेंस क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जैसे मैं कहूं कि एक कॉलेज में या किसी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट थे, 1000 में से वहाँ पे समथिंग 300 या 400 कॉलेज में स्टूडेंट आए ड्यू टू कोल्ड, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट अवेलेबल थे वहाँ पे, तो 300 400 अगर स्टूडेंट आते हैं तो वहाँ पे लिखेंगे आ फ्यू स्टूडेंट हैज कम इन कॉलेज ड्यू टू कोल्ड, क्लियर हो गया। तो मैं क्या लिखूँगा, आ फ्यू स्टूडेंट हैव कम, ठीक है, ड्यू टू कोल्ड, हम ऐसे लिख देंगे आ फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम ड्यू टू कोल्ड, कोल्ड की वजह से वो आए थे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्कूल में 1000 स्टूडेंट थे और उसमें से 50 स्टूडेंट स्कूल में आए, तो हम क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, नेगेटिव सेंस में जाएगा, तो हम लिखेंगे फ्यू स्टूडेंट हैज कम ड्यू टू कोल्ड, ठीक है। तो हम लिखेंगे few students, लिख रहा हूं ना तो अब मैं have लगा दूंगा, ठीक है, few students have come to college due to cold, ठीक है ना। तो few student हो गए। अब जैसे कि मैं बात करूं कि द फ्यू कहाँ यूज होगा, द फ्यू किसी फिक्स्ड वैल्यू के लिए यूज करते हैं, मान लीजिए 900 स्टूडेंट आए थे कॉलेज में ड्यू टू कोल्ड, तो मैं वहाँ पे द फ्यू का यूज करूँगा, ठीक है, क्लियर है ना, समझ आ गया। सिमिलरली हम लिटिल का यूज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है, आपके बहुत काम आने वाला है। लिटिल
आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में होता है, ये आपका पॉजिटिव सेंस में होता है और ये भी आपका पॉजिटिव सेंस ही होता है, ठीक है। इनका यूज कहाँ देते हैं, एग्जाम में यही पूछा जाता है और यही गलती होती है इनसे। लिटिल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किचन में गए, किचन में आपको जरूरत थी 1 kg शुगर की, ध्यान से सुनना, 1 kg शुगर की जरूरत थी और वहां पे आपको कितनी मिली, 1 tsp शुगर मिली। तो क्या हुआ, जब 1 kg की जरूरत है 1 tsp मिल रही, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, यही लिखेंगे ना, लिटिल शुगर वॉज अवेलेबल इन माई किचन, ठीक है, डेट्स वाई आई वॉज अनेबल टू प्रिपेयर टी, या अदर समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी जगह जब बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम हो जाती है, वहाँ पे हम लिटिल का यूज करते हैं। सपोज कि आपको किचन में गए और वहाँ पे देखा कि वहाँ पे समथिंग 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम आपके पास शुगर अवेलेबल थी, जबकि जरूरत थी आपको लगभग 1 kg की, 500 अवेलेबल, तो हम क्या लिखेंगे, आ लिटिल शुगर वॉज अवेलेबल इन माई किचन, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं आ लिटिल, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चेंज भी है और कि कम भी है। द लिटिल की वैल्यू मैं कब बोलूँगा, द लिटिल जब भी बोला जाएगा, आपकी फिक्स्ड वैल्यू कुछ ही दे रखी है और पहले से उसमें यूज में लेके आना है, या फिर जो मान लीजिए आपको 1 kg की जरूरत थी और 1 kg ही से लगभग लगभग थोड़ी सी कम है, जैसे 950 ग्राम है या 900 ग्राम है, तो मैं वहाँ पे द लिटिल का यूज करूँगा। आई होप ये आप समझ गए हो कि इनका यूज कैसे होते हैं, ठीक है ना, समझ गए होगे और डेफिनेटली आप पेपर में सही करके आओगे, तो आप गलती नहीं करेंगे आज से। इसके अलावा आपको करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल बाई कोचिंग, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाऊँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।